बात करो क्या वो तो मुझे पता है, मुझे किसी ने बात करने का प्रयास किया था, हालांकि वो कैमरे में आना चाहता नहीं था, डायरेक्टर से दूर भागा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुकना नहीं चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो बेटा। प्रयास किया गाड़ी से उतरने का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल जस्ट मेरे बगल में खड़ा मैं बात करूं। यार हम लोग के पीछे मत आओ यार, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, हम लोग फ्रैंक वीडियो बना रहे थे। मेरी बात सुनो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये हमारे साथ लगातार 1 घंटे से पीछे है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये हट नहीं रही है। अभी फिर से कह गई, अभी ये हमारे पीछे आ जाएगी, कभी आगे आ जाएगी, कभी स्त्री, कभी बालक के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी बुड्ढे के रूप में। ये हमें फिर इसने रूप बदल दिया। एक मैं गाड़ी से बाहर उतर आराम से देख के। गाइस हम लोग को गाड़ी से बाहर उतरना ही पड़ेगा। जल्दी तो जल्दी जल्दी गेट नहीं चलेगी अब नहीं है। गाइस आज हम लोग फिर से एक बार निकल चुके हैं। इस तरीके से आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, लगातार हम हॉरर प्लेसों में और वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर पाई जाएंगी, ऐसा लोगों ने बोला है। हम वहीं पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, कुछ ऐसी सीन रात में क्रिएट होती हैं कि वहाँ से आना जाना लोगों को बंद हो जाता है। ये जो अफवाहें फैल रही हैं, इस अफवाहों को ख़त्म करने के लिए हम रोज़ रात को निकलते हैं और प्रयास करते हैं कि ये सब चीज़ों के जो मन में लोगों का डर बसा है उसको हम खत्म करें। भी होगा तो आज हम फिर एक नई जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाई जाती है उस एरिए की, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तो वहीं आज हम पहुँच रहे हैं, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे भाई इरफान भाई, पीछे कैमरेमैन आयुष भाई और एक, हम टोटल 3 लोग इस कार में हैं और रोज़ इसी तरीके से कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, लगातार हम 3 दिनों से हर स्पॉट पर पहुँच रहे हैं। हर बार मैंने प्रयास किया है कि हम गाड़ी से उतर कर चीज़ों को महसूस करें, जो भी नेगेटिव चीज़ें समाज में फैली हुई हैं। हालांकि 3 दिन से हम लोग लगातार आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी है कि गाड़ी से उतर कर हम लोग काम बात करें, काम करें, उन्हें महसूस करें, क्योंकि गाड़ी के अंदर से ही इतना खतरनाक नज़ारा, इतना भयंकर नज़ारा देखने को मिल जाता है आपको कि हम लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि हम शीशा खोलें, कार का शीशा तक नहीं खोलते हैं। लेकिन आज मैंने ये हिम्मत बांध ली है कि मैं आज गाड़ी से उतर कर चीज़ों को महसूस करूंगा और आप मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो ये कैसे काम करेगा। मतलब कि बजा सिर्फ 12 है, ऐसा लग रहा है कि रात का 2 बज रहा है। और ये जो सीन है, ये देखो किस तरीके से पूरा एरिया सन्नाटे पड़ा है। हम उतरेंगे जरूर आज गाड़ी से और ये जरूर महसूस करेंगे क्या सच में कोई ऐसी अफवाह लोगों के मन में जो फैली हुई है उसको हमें खत्म करना है। यही काम है हमारा, हमारी टीम अभी फिलहाल 3 लोग हम लोग घर से चले थे। रोड को देखिए जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, जैसे ही रात के 11 बजते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, कोई भी व्यक्ति को तो बहुत मानो कि बहुत दूर की बात है, कोई भी जानवर पक्षी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और मैं आपसे फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग जहाँ भी कहीं निकलें बहुत ही सेफ्टी से निकलें, क्योंकि हमें आपको पता है कि होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो महसूस करने वाली बातें हैं वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअली में ये निगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, हॉरर प्लेसों में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं सुई के नोक के बराबर भी ये सब तो होती है ना। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ आपको लगातार बने रहना है। रोड है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखिए पूरी रोड सन्नाटी है। अभी दिक्कत है मुझे पता है, हम लगातार प्लेस में पहुँच रहे हैं मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर जहाँ पर हमें गाड़ी से उतरना है, पर कोई भी एक मच्छर भी वहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ, लगातार हम प्रयास करेंगे, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। गाड़ी से उतरने का समय आ गया है, आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है। हालांकि कोई भी रहे ना रहे, हम पहुंच चुके हैं स्पॉट पे। ये मोड़ ले, हाँ अभी भाई बताओ ना, आगे ना चाहिए ना, गाड़ी देखी नहीं ना कहाँ जाएंगे। फिलहाल मैं गाड़ी से उतरूंगा क्योंकि आगे इतना ज़्यादा घना अंधेरा है कि लाइट की जो रोशनी है वो 3 से 4 मीटर के बाद ख़त्म हो जा रही है। आगे चीज़ जब दिखेगी नहीं, हम वहाँ जाके करेंगे क्या। हालांकि अब हम लोग उतरेंगे जरूर गाड़ी से, लेकिन थोड़ा अलग हट के उतरेंगे जिससे रोशनी जो आ रही है वो ख़त्म हो सके। अभी कोई भी डायरेक्टर वो जगह देखे, हम गाड़ी से उतरने वाले हैं। अगल बगल कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक जंगल है। हम गाड़ी से उतरने का प्रयास करने जा रहे हैं,
गाइस हमारे साथ आप रहिएगा, बने रहिएगा कि कोई भी अगर हानि क्षति मुझे पहुंचती है तो कम से कम आप वीडियो में देख पाएंगे, जो भी महसूस करूंगा मैं वो आप भी महसूस कर पाएंगे। आइए मेरे साथ। गाइस मैं उतर चुका हूँ रास्ते, मैंने बोला था मैं यहाँ पर खड़े होकर बात करना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी ऐसी शक्ति हो मेरे साथ आके खड़ा हो उससे मिले। और अगल बगल जो कैमरे मैन है लगातार इधर पोज बना रहे हैं, एक बार लाइट बंद करके दिखाइएगा क्या है। अगर ट्रैक्टर चालू है, अगर कोई मिलता है तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर ट्रैक्टर हमें सपोर्ट कर रही है, कोई भी अगर बात करना हमको चाहता है ट्रैक्टर के सहारे, किसी भी भाषा में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो हमसे रोड में बात कर सकता है, मिल सकता है। हम खड़े हुए हैं बीच रोड में, ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, गाड़ी हमारी बीच में खड़ी हुई है। भाई ड्राइवर से क्या लगता है यहाँ क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर महसूस होती है तो मुझे जरूर बताएं। भाई 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 वहीं पे है जहाँ तुम हो गए। जा जा, तुम वहाँ खड़े हो, खड़े हो, तुम बात करो। मैं कोई है नहीं, ये ज़्यादा ये रीजन कर रहा है। हाशिद भाई बात करो बात करो। क्या तो मुझे बताएं, क्या कोई दिख रहा है? कोई नहीं है। चला गया। यार अब लगता चला जाएगा आशीष भाई, चलना चाहिए। चलना चाहिए। मुझे किसी ने बात करने का प्रयास किया था, हालांकि वो कैमरे में आना चाहता था, डायरेक्टर से दूर भागा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुकना नहीं चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो बड़ा। गाइस हमसे बात हुई उसकी, जल्दी बुला गाड़ी। गाइस मेरे बगल में आके एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा था प्रयास किया गाड़ी से उतरने का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल जस्ट मेरे बगल में खड़ा हो गया भाई। चलिए भाई क्या होना चाहिए भाई, पीछे तो नहीं आ रहा लोग। ऐसा मुझे लगा कि मेरे कंधे में किसी हाथ रखा भाई। अभी मैं गाइस मैंने कहा था कि हमें गाड़ी से उतरने का सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि लगातार हम ऐसी चीज़ों को महसूस कर रहे थे। आज जो डिटेक्टर में दिखा और मैं उसके बगल में खड़ा था जस्ट, पहले तो मुझे उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खड़ा था मुझसे बात कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे पकड़ने का प्रयास किया, कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद मैंने रुकना वहाँ सही नहीं समझा और हम गाड़ी सब अपने घर की ओर बढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं अभी भागूंगा नहीं, वापसी मुझे आना है, कहीं रुकना पड़ेगा। कैसे कोई गाड़ी के अंदर है क्या हम लोगों को? फ्लैश बंद करना भाई। तू चल भाई। गाइस गाड़ी के अंदर दिख रहा, गाड़ी के अंदर चला गया। पीछे मेरे सीट के बगल में डिटेक्ट करो, सीट के बगल में डिटेक्ट करो, सीट के बगल डिटेक्ट करो, जल्दी डिटेक्ट करो। नहीं कोई भाई से कह दो हम लोग के पीछे ना है, बात करो यार। हम लोग के पीछे मत आओ यार, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, हम लोग फ्रैंक वीडियो बना रहे थे। मेरी बात सुनो, कहीं से भी हो हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, कहीं से भी हो आप कार में अगर बैठ गई हो तो मैं निकल जाओ, ये मैं बोल रहा हूँ। ये मुँह क्या रहा है भाई? अलग अलग चेहरे दिखाकर डराना बंद करो हमारे लोगों को। मैं फिर से तुमसे एक बार कह रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि यहाँ से जाओ और गाड़ी के बाहर निकलो। आंखें नीली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंखें नीली। चलो अभी देखिए बताना लोग की गाड़ी के अंदर है यार। बात करो, बात तुमसे क्षमा मांगता हूँ, हमारे पीछे मत आइए। पूरे गाड़ी के लोग अंदर डरे हुए हैं, हम दोबारा कुछ छेड़ने नहीं आएंगे आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, वादा करता हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, कोई भी तुमको नहीं छेड़ेगा। चला गया। गाड़ी पे मत बैठो, उतर जाओ, जहाँ से आओ वहीं से जाओ, वहीं जाओ। चला गया। ये यार दिखा रहे हैं। हमने प्रयास किया था उससे, हाँ उसने फिलहाल मुंडी हिलाई थी, कहा था कि मैं जा रहा हूँ,
लेकिन अभी गाड़ी में दो बार हमको दिख चुका है, कभी अभी स्टेयरिंग बैठा था, अभी सीट बदल आई उसके। अगर मुझे सुन रहे हो तो अपनी जगह पर वापस जाओ, हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ, मैं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, वापस जाओ मैं बोल रहा हूँ। फिर से ये, फिर तुम डिटेक्टर पे आ रहे हो, फिर तुम आ गए स्टेयरिंग पे बैठे हुए हो, स्टेयरिंग पे तुम हो, अपनी जगह पर वापस जाओ, वापस। अपनी जगह पर देखो, ये अब इसने चेहरा बदल लिया, अब ये स्टेयरिंग पे बैठ गया। अपनी जगह पर वापस जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छेड़ूंगा। क्यों नहीं जा रहे हो तुम गाड़ी से? ये बार बार जगह बदल के रूप बदल के डराने की जरूरत नहीं है, कभी लड़की के रूप में, कभी लड़के के रूप में। लगातार तुम अब सीट बदल दी, तुमने पीछे चले गए। अपनी जगह पर वापस जाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लड़की के रूप में सामने आए हो हमारे। कौन हो तुम? अपनी जगह पर वापस जाओ, हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आयुष के जस्ट बगल में बैठी है, जस्ट बगल में बैठी है आयुष के। जाओ, चली गई। क्या हमने उतर के गलती कर दी? गलती बहुत बड़ी थी। पहले तो हमारे वो मेरे साथ, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, उसके साथ आधी दूर तक हमारे सामने साथ आई है वो, पहले गाड़ी के ऊपर, फिर स्टेयरिंग के बगल में, फिर जस्ट सीट के हमारे पीछे। अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे साथ चल रही है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, अगर तुम गाड़ी के अंदर हो तो हमारी बात सुनो और वापस जाओ। जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसी भी हो, गांव से, शहर से, जो भी नाम है तुम्हारा, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। अगर मुझे सुन पा रही हो, अगर सुन रहे हो मेरी बात को, दरवाजा खोल के जाओगी कि ऐसे जाओगी? ये खोल दो दरवाजा एक बार, थोड़ी दो तीन मिनट के लिए। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, निकलना। अगर अभी पहले ये पुरुष, अब इसने बच्चे का रूप धारण किया, गाड़ी पीछे जा रही, गाड़ी पीछे जा रही, पीछे जा, गाड़ी पीछे जा रही थी। क्या ये अपने पास ले जाना चाह रही है हमको? अब ये गाड़ी के अंदर फिर दिखा रही है यार, यार तुम्हारे बगल में बैठी है यार। यार कभी बच्चे का रूप रख लेती हो, कभी औरत का। गाड़ी के अंदर से जाओ। गेट खोल दे, गेट खोलू, गेट में खोल रहा हूँ आखिरी। फिर इसने रूप बदल दिया। एक मैं गाड़ी से बाहर उतर रहा हूँ आराम से, देख के गाइस, हम लोग को गाड़ी से बाहर उतरना ही पड़ेगा। जल्दी से, जल्दी जल्दी गेट नहीं है, चली गई, अब नहीं है। अंदर नहीं है, गाइस चली गई। चलो आओ, क्या हम लोग अब सेफ है? क्या हम लोग सेफ है? आदेश दिया है मैंने, दोबारा गाड़ी के अंदर नहीं आना। मैंने तुम्हें जगह दी है गाड़ी से निकलने की, और निकल भी गए मेरे हिसाब से तुम किसी भी रूप में। अगर हमारी फिर से ही आ गई, फिर से ही आ गई, आपके सामने बैठ गई आके। अभी इस मेरे आदमी को रूप रख लिया इसने। क्या हम लोग के साथ जाना चाहती हो, चाहती हो क्या हो? फिर से ये आ गई है, चल रही है, चल रहा है ये तो, ये हम लोग के साथ चलना चाहती है। हम तीन से चार प्लेसों में गए हैं, अभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई चीज़ महसूस तो हुई है। उसने मुझे छुआ भी है, छूने के साथ साथ लगातार रडार में वो हमारे पीछे भी है। इससे ज़्यादा जब जहाँ जहाँ हम पहले गए हैं ऐसा महसूस नहीं हुआ था, आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे तीन के अलावा कोई चौथा भी है, और रडार में वो लगातार एक बार फिर से देखो दिख रहा है। स्कैन को देखो, मेरी तरफ स्कैन। अगर कोई यहाँ पे मेरे साथ चलना चाहता है या मेरी कोई गाड़ी में है, कोई हमारे पीछे लगातार चल रहा है, उसको मैं आदेश देता हूँ कि वो वापस जाए जहाँ से आया था। अगर हम उसकी फील्ड में हमने कुछ गलत किया है तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। रडार में वो लगातार हमारे साथ आया है, हम तुम्हारे पास साथ आने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ से निकल रहे थे बस रोड से, इसीलिए हम लोग वहाँ पर रुक गए थे। तो मैं क्षमा मांगता हूँ और आदेश भी देता हूँ कि अपनी जगह पर वापस जाएं हमारे गाड़ी से निकल कर। अगर उसके बदले में कुछ चाहते हो तो भी मुझे बता दो। सुन रहे हो मुझको? ऐसा कभी नहीं हुआ है हम लोगों के साथ, आज पहली बार हम लोग कभी ऐसे प्लेस में नहीं गए हैं। कई बार जा चुके हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई चला है साथ में, आज ही ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
हम रडार पे भी रखे हुए हैं लगातार नजर। रडार खाली नहीं हो रहा, लगातार हमारे साथ कोई कार के पीछे आया है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ लगातार एक घंटे से पीछे है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये हट नहीं रही है। अभी फिर से कहेंगे, अभी ये हमारे पीछे आ जाएगी, कभी आगे आ जाएगी, कभी स्त्री, कभी बालक के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी बुड्ढे के रूप में, ये हमें दिखेगी रडार में। तो मैं तुमको आदेश देता हूँ कि अगर मुझे सुन रही हो तो इस गाड़ी से बाहर जाओ और हमारा पीछा छोड़ो। तो वैसे फिलहाल तो हम आज यहाँ से वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि जो हरकतें हमारे साथ आज हुई हैं और अभी भी मुझे लग रहा है, सभी को लग रहा है कि हम लोग के साथ कोई है। तो अब आज के अभी तो आगे वीडियो नहीं मिलेगा काफ़ी दिन तक, क्योंकि सभी डरे हुए हैं, सभी काफ़ी डर गए हैं। देखते हैं अगले वीडियो। पर जो भी चीज़ मैंने आज महसूस करी है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मैंने चीज़ मिलते में ऐसी जगह पर बाथरूम करते हुए मत रुकें, बाथरूम करने के लिए ना रुकें जहाँ अगल बगल कोई भी ना। अगर आपको टॉयलेट लगती भी है तो कहीं ऐसी जगह रुक कर लें कि जहाँ पर कुछ लोग, दो चार लोग हों। ऐसी सन्नाटी रोड में ना रुकें जहाँ पर आपके अलावा कोई ना हो। जो आज मैंने महसूस किया है वो आगे कोई महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो पूरी प्लानिंग से चलते हैं, हम सब कुछ लेकर चलते हैं, आशीर्वाद लेकर चलते हैं, सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें इनको, इनके लिए हमारे पास होती हैं, इनको भगाने के लिए सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सबके पास वो चीज़ नहीं होती है। तो कहीं भी रास्ते में सन्नाटी एरिया में जा रहे हैं, कहीं भी दूर तक नहीं जा रहे हैं, कहीं भी ऐसे रास्ते में कोई हॉरर प्लेस होता है तो उसको वहाँ ना रुकें, बाथरूम ना करें, कहीं आगे पीछे कोई हरकत ना करें। अगर आप नशे में हैं तब भी कोई हरकत ना करें, और इस वीडियो को बच्चे